जो दलितों का शोषण करते थे उनको जब खुद पिटाई कुटाई छिताई हुई, दिल्ली के जंतर मंतर पर बहन बेटियों को पीटा गया, जब जाटों को लगा कि अब बहुजनों के साथ खड़ा होना सही है, ना कि ब्राह्मणों के साथ, ना कि वो पंडे पुजारियों के साथ में, अरे शोषण तो वो है जो ब्राह्मणवाद से हमारी दिमाग के ऊपर हैंग करके रहे और कब्जा किया जा रहा है, कभी करवा चौथ पे, कभी दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे, गोबर तक को पूजवा, वहाँ बेटियों के आंदोलन में भी ये बात कही थी और आज फिर कहना चाह रहे हैं, अगर वो जिंदा है तो यहाँ आ जाए, नहीं तो जिस तरीके से जाटों की बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर से उठा उठा के फेंका है, अगर वो नहीं आए तो घरों से ये ब्राह्मणवादी लोग ना जाट की बेटी को छोड़ेंगे, ना गुजर की, ना यादव की, और कमार खाती नाई तेली इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। पहले तो हमारे को इतना बेकार रखा था, जो ओबीसी है ओबीसी के द्वारा एससी को पिटवाते थे और पंडित लोग और एससी को लेकर कांग्रेस की सरकार चलाते थे, अब वो हमारे समझ में आ रहा है। तो आप भी बहुजन हैं? हम बहुजन हैं और एससी हमारे भाई हैं और मोमडन हमारे भाई हैं, हम उनके साथ में रहेंगे, आगे हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, हम सब बुद्ध बनेंगे। देखिए जिंदा जागता उदाहरण है, जैसे इन्होंने खजान सिंह ने कहा है कि अभी नू दंगे हुए और तमाम सारे जो जाट संगठन के नेता थे जिन्होंने 2 साल दिल्ली के जंतर मंतर पे, दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर सीखा और नू दंगे में वो सामने आके निकल के ये बात कही कि जाट जो है वो उड़ता तीर नहीं लेगा। ये उड़ता तीर की बात कहाँ से निकल के आई है? जो दलितों का शोषण करते थे उनको जब खुद पिटाई कुटाई छिताई हुई, दिल्ली के जंतर मंतर पर बहन बेटियों को पीटा गया, जब जाटों को लगा कि अब बहुजनों के साथ खड़ा होना सही है, ना कि ब्राह्मणों के साथ, ना कि वो पंडे पुजारियों के साथ में, आज उसी का जिंदा जागता उदाहरण है। बिट्टू बजरंगी कौन है? ओबीसी और मोनू माने सर यादव और दिल्ली का एमपी कौन है? गुजर रमेश भिधूड़ी। ये सारे के सारे प्रोप गंडे तैयार करे बीजेपी ने और मरवाने का काम किया ओबीसी को, तो ये समझ गए जाटों को हिंदू बना घूम रहा। देखिए जो जो कथा कथित ब्राह्मणवाद की चपेट में है वो आज भी हैं, लेकिन मुख्य जो बात है जो समाज को लीड करने वाले लोग हैं, आप जैसे साथी हमारी बात को दूर तक पहुंचाने वाले हैं, हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, आज अगर कोई हम पे कोई हमला कर रहा है, आप क्या कह रहे हो? एक जाट ने कोई पीट दिया, मान लो 100 गज की धरती पे कब्जा कर लिया, ये शोषण नहीं है? अरे शोषण तो वो है जो ब्राह्मणवाद से हमारी दिमाग के ऊपर हैंग करके रहे और कब्जा किया जा रहा है, कभी करवा चौथ पे, कभी दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे, गोबर तक को पूजवा दिया। हरियाणा से आगे गुहाना कांड शोषण नहीं है, मिर्चपुर कांड शोषण नहीं है, ये शोषण मत। देखिए देखिए दोनों चीज है, गुहाना कांड में जाटों ने गड़बड़ करी आज कहाँ है, बघाना कांड में करी आज जाट कहाँ है, और मिर्चपुर कांड में आज उनको इस बात का पता है कि भाइयों से नू से नाखून से मांस दूर नहीं होता। यही बात है, तमाम हरियाणा के जो सामाजिक न्याय के जो लोग हैं वो आज बहुजन आंदोलन के साथ खड़े हैं और हम भी वहाँ बेटियों के आंदोलन में भी ये बात कही थी और आज फिर कहना चाह रहे हैं, अगर वो जिंदा है तो यहाँ आ जाए, नहीं तो जिस तरीके से जाटों की बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर से उठा उठा के फेंका है, अगर वो नहीं आए तो घरों से ये ब्राह्मणवादी लोग ना जाट की बेटी को छोड़ेंगे, ना गुजर की, ना यादव की, और कमार खाती नाई तेली इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। जब तक जातिगत जनगणना को लेकर के ये लोग तमाम सारे आगे बढ़ करके नहीं आएंगे। लेकिन जाति जनगणना का आपने जिक्र किया, राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। राकेश टिकैत देखिए एक दबाव में है, वो दबाव है, वो जो किसान यूनियन जो चला रहे हैं, वो मेरी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि हम जातियों संगठन में नहीं आएंगे। हमने कहा राकेश डकैती आप तो ओबीसी में आते हो, लेकिन करा जी वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरियां भी हैं, मेरे यहाँ ब्राह्मण भी पदाधिकारी है, मेरे यहाँ ठाकुर भी है, मेरे यहाँ बनिया भी है। तो कुछ लोगों को गलत फहमी का शिकार है, वो
थोड़े दिन के बाद में जो शिकार वो भूत उतर जाएगा, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। जातिगत जनगणना बिहार से हुई है और तमाम देश के लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराओ, और जातिगत जनगणना से ये जो बीमारी है, ये जो हमारी बहन बेटी यहाँ बैठी हैं धरने पर, इसकी बैठने की जरूरत नहीं होगी। जब आप सत्ता के मालिक हो गए तो आप न्याय करने वाले हो गए। और हमारा ये चरित्र रहा है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर से, ज्योतिबा फुले से, पेरियार से, रामास्वामी से, बिरसा मुंडा से, तमाम हमारे नेता ऐसे रहे हैं जो न्याय की बात करिए। सत्ता कैसे पाओगे? सत्ता पाने का रास्ता क्या है? देखिए, सत्ता पाने का एक ही रास्ता है, जातिगत जनगणना आज हो जाए, हम सत्ता के मालिक हैं। तो फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, वही। राहुल गांधी को क्यों बनाएंगे? क्या इस देश के अंदर जाट नहीं है? क्या गुजर नहीं है? क्या कमार खाती नाई नहीं है? क्या इस देश के अंदर बहन मायावती चार चार बार की मुख्यमंत्री है, उसमें क्या कमजोरी है? इस देश के अंदर तमाम सारी चीजों को ला करके खड़ा कर दिया उसने, और इतिहास बता दिया कि ये है। जब जब बहुजनों की सरकार आई है, चाहे बिहार में देख लियो, जातिगत जनगणना कहां से निकल के आई? यह इतना बड़ा जो निकला है माल मलुदा, ये इसीलिए निकल के आया है बिहार से। और यूपी में तमाम सारे कॉलेज खोले गए और तमाम सारी जो चीजें हैं वो आगे अगर निकल के आई है। ये बात तो है, राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि हमें वोट दीजिए, हम जाति जनगणना करवाएंगे, आपके हिस्सेदारी देंगे। बेईमान राहुल गांधी, बिल्कुल। अगर वो इतना बात अगर सही होती तो मध्य प्रदेश में ओबीसी के लोगों को टिकट क्यों नहीं दी है, और राजस्थान में क्यों नहीं टिकट दी? ये दो मुहे सांप हैं, बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो लोग जातीय जातीय करके घूम रहे हैं ना, वो थोड़े दिन में मारे जाएंगे। आप बहुजन बन के आइए, आप अपना राजनीतिक हक मांगिए। अगर आप किसी काल्पनिक पंडे पुजारियों और धर्म के नाम पे, कभी वाल्मीकि के नाम पे, कभी विश्वकर्मा के नाम पे, और कभी और किसी के नाम पे, अगर आप सत्ता से दूर रहोगे तो आपकी बहन बेटियों को उठा के ले जाने में कोई देरी नहीं होगी। अखिलेश यादव के साथ जो कांग्रेस ने किया, कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, अखिलेश यादव को स्वयं पता है, उसको टूटी चोर कहा गया, तो ये बात तो अखिलेश यादव समझ चुका है कि अब जो है बहुत सारी चीज़ बदलने वाली हैं। और तमाम जितने जो लोग हैं एनडीए घटक के, इंडिया घटक दल के जितने भी लोग हैं, वो सारे एक होंगे। कांग्रेस ने धोखा किया हमारे साथ, हमें 2 बजे अभी बयानबाजी, जब तक चुनाव लोकसभा के नजदीक नहीं आते, तमाम नेता कभी आप जैसे साथी जो है नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाएंगे, कभी आप जो है अखिलेश पे लगाएंगे, कभी मायावती पर लगाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई चारा घोटाला लगा दे, कोई टूटी चोर कह दे, कुछ भी कह दे, ये प्रोपगंडा जो मीडिया है, गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की कमान किसके हाथ में रहेगी? देखिए, वो कमान बहन मायावती के हाथ में आएगी, वो अखिलेश यादव के हाथ में आएगी, वो नीतीश कुमार जी के हाथ में आएगी। हम इस देश के अंदर ताकतवर हैं और इसमें कोई दोरा नहीं है। अब बहुत दिन से हम लूट लिए, पिट लिए, छीत लिए, लेकिन अब इनको हाथ में केंद्र की सत्ता तो नहीं देने वाले हैं, ये तो पक्का बहुजन समाज ने ठान लिया है। और उसी को लेकर के आज दिल्ली फैकल्टी नंबर 4 गेट नंबर पे रितु बहन के प्रोटेस्ट के अंदर सभी तमाम जाति धर्म के लोग आए हैं। अब हमारे को जागने की जरूरत है। हमने बाबा साहब और सर छोटू राम के, अभी 70 साल में आप जग ही नहीं पाए, अब जगे हैं। जो धरना दिया है बहन रितु जी, बेटी रितु जी ने, इसका समझ में आया हमारे अकबर ने, यह धरना दिया है, ये नौकरी नहीं ले रही जबकि न्याय मांग रही है, तो इसको कभी न कभी तो न्याय मिलेगा। ये तो इसके साथ में दम है। और बहन फूलम देवी के साथ में कोई नहीं था, अकेली थी, संघर्ष करा, आत्महत्या नहीं करी उन्हें, संघर्ष करती रही और आखिर में वो अकेली वो भी जीती, तो ये क्यों नहीं जीतेगी? हाँ, टाइम लग सकता है। हाँ, हम बुद्ध हैं, हमने हमारे को युद्ध नहीं चाहिए, हम हमारे को समझ में आ गया हम बुद्ध हैं, क्योंकि महाराजा हर्षवर्धन जाट था, वो बुद्ध था। हम आस्ते आस्ते हमारे जाटों को भी समझ में आ रहा है, गुजरों को भी समझ में आ रहा है, उनका जो प्रयागराज राजा भोज था वो भी बुद्ध था, तो हम आप बुद्ध बनेंगे सभी। समझ में आ रहा था, फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा गुजरों को, जाटों को? अगर समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है, अगर मेरे समझ में नहीं आता मैं किस लिए आता? समझ में आया तभी तो हम आए हैं। और एक आदमी को समझ में आएगा, लेकिन सबको समझ में क्यों नहीं आ? भैया, ऐसा सबका एकदम समझ में नहीं आता। बिल्कुल क्लियर कट कही थी सर छोटू राम ने, मंडी शहर फंडी से दूर रही हो, ठीक है, वहाँ बाबा साहब का आदमी को लेकर अध्यक्ष बना रहा है एक मंडी वाला, और जाटों को आने का मैं वोट लूँगा,
वो जाट अनजान है, वो एससी एसटी अनजान है, जिसको बाबा साहब ने चतुर बानिया कहा था, महात्मा गांधी ने कहा उन्हें, बानिया हमारे साथ में क्या कर सकता है, ये बात हमारे समझ में आ रही है। इस बात से आप सहमत हैं कि जाट गुजर यादव सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं दलितों पर? हाँ, सब बुजुर्गों बहुजन पर अत्याचार होता है, ठीक है। जाट गुजर